नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला और आइए शुरुआत करते हैं अच्छी बात धीरेंद्र शास्त्री के साथ। कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस। आज शाम 5:30 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायक दल के नेता का हो सकता है चुनाव। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी की भी तैयारी। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री पर लिया जाएगा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे। आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी सबकी निगाहें। बैठक में पार्टी आलाकमान के पर्यवेक्षक भी रहेंगे मौजूद। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों के लिए बेंगलुरु के 5 सितारा होटल में कमरे बुक कराए गए। सभी विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने को कहा गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत, 136 सीटों पर जीती कांग्रेस। सबसे बड़ी बात यह कि लगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा करार झटका, 65 सीटों पर सिमटी। जेडीएस को भी भारी नुकसान। जेडीएस को महज 19 सीटों पर करना पड़ा संतुष्ट, वहीं अन्य के खाते में 4। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को कनकपुरा सीट से मिली जीत। नतीजों के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे डीके शिवकुमार। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गदगद। कर्नाटक की जनता का किया अभिवादन। बंपर जीत पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अब दक्षिण में होगा बीजेपी का सफाया। बसवराज बोम्मई के घर के बाहर समर्थकों ने मनाया जश्न। बसवराज बोम्मई ने शिवांग से चौथी बार दर्ज की जीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने वरुणा सीट से हासिल की बंपर जीत। 45,000 वोटों से अधिक मार्जिन से जीता। जगदीश शेट्टार को हुबली धरवाड़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश से मिली मात। 6 बार से लगातार विधायक शेट्टार 35,000 वोट से हारे। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार महेश की जीत पर पार्टी ऑफिस में जश्न। भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता समर्थन में जयकारे लगाए। कर्नाटक में बंपर जीत के बाद बोले राहुल गांधी, गरीबों की शक्ति ने अमीरों की सरकार को हराया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से उत्साहित दिखे राहुल गांधी, बोले पहली कैबिनेट में पूरे करेंगे 5 वायदे। राहुल ने कर्नाटक में जीत का बताया मंत्र, बोले कर्नाटक में हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े, मोहब्बत से जीती ये लड़ाई। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारों में बीजेपी को घेरा, बोले कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जीत के लिए जनता को किया शुक्रिया, बोले मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है, यह कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में की पूजा पर अर्चना। देश और कर्नाटक की जनता के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना। कर्नाटक में जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर। दिल्ली मुख्यालय पर जमकर ढोल नगाड़े बजे। कर्नाटक में बजरंग बली के रूप में नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता, हनुमान चालीसा कपाट किया। कर्नाटक में कांग्रेस का जश्न लगातार जारी, मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया जमकर डांस। शिवराज सज्जन के घर के बाहर सांप मिलने से हंगामा। मुंबई भी थे उनके घर में मौजूद, सुरक्षा बलों ने सांप को पकड़ा। कर्नाटक विधानसभा रिजल्ट को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह, एक दूसरे को माटी बिठाई। सिद्धरमैया निवास के बाहर जुटे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने की कर रहे हैं मांग। टेलीविजन पर परिणाम देखते ही बसवराज बोम्मई हाथ में कागज लेकर परिणाम नोट करते नजर आए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस को दी बधाई, बोले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी मेरी शुभकामनाएं।
कांग्रेस ने राहुल गांधी के 55 सेकंड का वीडियो किया रिलीज, लिखा मैं अजय हूं, मैं बहुत आश्वस्त हूं। मुंबई के राजीव गांधी भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, हाथों में राहुल गांधी का पोस्टर लेकर बांटी मिठाई। कर्नाटक में जीत ने पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने आतिशबाजी की। बाड़मेर में सातवें आसमान पर पहुंचा कांग्रेस समर्थकों का उत्साह, महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बांटी मिठाई। पटना में महिला कांग्रेस समर्थक ने खुद बजाया ढोल, हाथों में गदा लेकर थिरकते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। झारखंड में देखा कर्नाटक के नतीजों का असर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर जमकर आतिशबाजी की। पुराना मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक इलाके में कांग्रेस की बंपर जीत, बीजेपी को सीटों का भारी नुकसान। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बयान, ये जीत बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार के खिलाफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के जनादेश को किया स्वीकार, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम निभाएंगे एक जिम्मेदार विपक्षी भूमिका। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत पर ममता का बीजेपी पर निशाना, का ये उनके अंत की शुरुआत, 2024 का आम चुनाव में नहीं मिलेगी 100 सीट। बीजेपी पर शरद पवार का तंज, कहा लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है कि आइडिया को नकार दिया। कर्नाटक में हार के बाद बसवराज बोम्मई ने कहा हम आगे बढ़ेंगे, हम और मजबूती से वापसी करेंगे। शिमला में कांग्रेस कार्यालय पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, समर्थकों ने गाजेबाजी के साथ स्वागत किया। कर्नाटक चुनावों में जीत से स्पष्ट संकेत मिलने पर रॉबर्ट वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा राज्य की सेवा करना होगा हमारा मकसद। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने समर्थकों के साथ किया लंच, कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। मुंगाई गांव में जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक साथ मनाई होली दिवाली, एक दूजे को मिठाई खिलाई। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का अभिवादन किया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत से गदगद दिखे योगी आदित्यनाथ, कहा पहली बार सभी नगर निगम में पूर्ण बहुमत, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन पर जनता का भरोसा। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। योगी के विजय बुलडोजर से आगे बिखर गया विपक्ष, स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की जय जय, मेयर चुनाव में क्लीन स्वीप। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की विजय, केजरीवाल ने ठहराया ऐतिहासिक जीत, कहा परिवारवाद हार गया। कन्नौज में मतगणना स्थल के बाहर भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा, सैकड़ों की संख्या में लोग कर रहे थे नारेबाजी। देवबंद में जनता और पुलिस के बीच झड़प, एक पुलिस कांस्टेबल समेत बीजेपी कार्यकर्ता घायल। फरुखाबाद में मतगणना में धांधली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, कर रहे प्रदर्शन। मेरठ में हंगामा कर रही भीड़ को पुलिस ने किया शांत, प्रत्याशी कर रहे थे नारेबाजी। शामली में बीजेपी प्रत्याशी और नेता आपस में भिड़ गए, मौके पर पुलिस रही मौजूद। कोलकाता में सलमान खान ने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात, शाम को ईस्ट बंगाल क्लब में किया कॉस्ट। देहरादून में अन्न महोत्सव 2023 का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। सीकर में जयपुर रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हुआ शुभारंभ। कच्छ में नौसेना इंटेलिजेंस यूनिट और एनसीबी का संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ी गई 2600 किलो की ड्रग्स। उत्तर 24 परगना में बदमाशों का हमला, तोड़फोड़ कर महिला और कई लोगों को पीटा। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की हुई सगाई, साथी हुआ सुखमनी साहिब का पाठ और अरदास के बाद कपूरथला हाउस में हुई सगाई।
दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के सगाई समारोह में शामिल प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड की कई हस्तियां। परिणीति राघव की सगाई में लगा मेहमानों का तांता, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा। अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ पी चिदंबरम और आदित्य ठाकरे पहुंचे कपूरथला हाउस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी के साथ अन्य नेता और मशहूर हस्तियां हुई राघव और परिणीति की खुशियों में शामिल। पहाड़ों की रानी ऊटी में 3 दिवसीय रोज शो समर फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, फूलों को एफिल टावर और पशु पक्षियों की तरह भव्य तरीके से सजाया गया। फूलों की प्रदर्शनी को देखने के लिए भारी संख्या में ऊटी पहुंच रहे हैं सैलानी, परिवार के साथ ले रहे आनंद। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारियां, सैकड़ों की संख्या में मजदूर निर्माण कार्य को दे रहे हैं अंतिम रूप। 22 मई से 24 मई के बीच डल झील किनारे स्थित शेरे कश्मीरी इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर में हो रहा है G20 समिट, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए चल रही है भव्य तैयारियां। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में धर्म, इकोलॉजी, मीडिया और मनोरंजन के विषय पर C20 कार्यक्रम का आयोजन। बीएमसी की योजना के तहत मुंबई की महिलाओं को मिली सौगात, मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन। सिरसा के खैरका गांव के लोगों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा के लोगों का किया संवाद, कहा डायल 112 सेवा नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में देखी फिल्म द केरला स्टोरी, साथ में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद रहे। गंधमाल में उड़ीसा के डीजीपी सुनील कुमार बंसल और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हज पर कमेटी पर बोली, कहा मुझे खुशी है कि इस बार सिर्फ 2 रिपीट लोग जा रहे हैं। जज्जर पहुंची खाप पंचायतें, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने में जुटी। पाली में हंगामे की राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री ने लोगों से की बातचीत। सीकर में किसान मोर्चा ने रैली निकालकर कॉन्ट्रैक्टर पर किया प्रदर्शन। दौसा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर साधा निशाना, बिना नाम लिए कहा कि जिसे कांग्रेस में रहना है रहे, जिसे नहीं रहना वो ना रहे। सूरत में समाजसेवी अरुण दुबे की अनोखी पहल, पुलिस के साथ मिलकर बांटे फ्री में हेलमेट। नेपाल की लड़की पहुंची धनबाद, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दोनों देशों के दूतावास के साथ मिलकर शुरू किया घर पहुंचाने की प्रक्रिया। 1 जून से पर्यटकों के लिए खोली जाएगी चमोली फूलों की घाटी। मालदा में किसानों की मशरूम की खेती की पहल, जिला प्रशासन ने क्लस्टर सिस्टम पर काम शुरू किया। मुरैना में किसान जनसभा का आयोजन, नारे लगाने से परेशान पूर्व कांग्रेस नेता लाखन सिंह ने लगाई समर्थकों को फटकार। मोतिहारी में जिला न्यायाधीश और जिला अधिकारियों ने किया लोक अदालत का शुभारंभ। सीकर में लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी सहमति से दोनों पक्षों के सुलझाए गए मामले। जमशेदपुर में शिविर लगाकर स्कूली छात्रों को योग अभ्यास कराया गया, 21 जून को है विश्व योगा दिवस। जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन, 12वीं के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की मांग। यमुनानगर की दिव्यांग छात्रा कशिश सैनी से डिसेबल कैटेगरी में हासिल किया 2रा स्थान, शिक्षा मंत्री ने फोन करके बधाई दी। केदारनाथ में ग्लेशियर पॉइंट पर बर्फ काटकर रास्ते किए गए चौड़े। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में और झुलसाएगी गर्मी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन किया लू का अलर्ट। अकोला में महाराष्ट्र का सबसे अधिक तापमान 45.6 डिग्री मापा गया। ग्वालियर में तापमान बढ़कर 42.6 डिग्री, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन।
मधेपुर में 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से आया रीतिला तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आदा शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इसमें आदा शर्मा शिव तांडव स्त्रोत करती हुई नजर आ रही। अपने जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस अदा ने शेयर किया था वीडियो, शिवलिंग के सामने बैठकर नजर आई थी अदा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, फिल्म को बैन करने का पूछा कारण। डायरेक्टर एसएस राजामौली महाभारत पर बनाएंगे फिल्म, 10 हिस्सों में होगी। एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगाया गंभीर आरोप, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच।